दाऊ देवीलाल चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। दाऊ देवीलाल चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद दाऊ देवीलाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे दाऊ देवीलाल अमर रहे। और गांव में सबके घर में परिवार में खैर सुख है, सबके राजी खुशी है, खेती बाड़ी को केड़ ले बारिश अच्छी है। सर चलो परमात्मा मेहरबान हो गया सर पर, सरकार तो थाने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, ना पानी है ना बिजली है ना ही कानून व्यवस्था है ना रोजगार है ना नौकरी है, महंगाई भी चरम सीमा पर है, हर चीज महंगी होगी, हर चीज का रेट बढ़ गया, अगर कोई रेट की नहीं कम होया है तो किसान के खेत में होने वाली फसल का दाम कम कर दिया, ना केवल दाम कम कर दिया बल्कि ऐसी हालत कर दी कि अगर बेच जाओ सारी तो दो दो महीना तक फसल का दाम कौन मिले, सरकार की तरफ हो खरीद तो जे लेकिन खरीद के बाद जितनी थारी फसल की कीमत थाने मिलनी चाहिए, फिर अठहत्तर बैंक का चक्कर काटना पड़े। सरकार दावों जितो ज्यादा बड़ो करे कि मैं किसान को एक एक दानों खरीदे, तब कल गेहूं की फसल में भी बहुत बड़ा दावा कर रहा कि एक एक दानों किसान को ले लियो, लेकिन आज भी इसी हालत हरियाणा प्रदेश के अंदर है कि 10,000 करोड़ ज्यादा रुपया किसान के खाते में आना बाकी है, गेहूं का कोई मंडी इसी नहीं है जिनकी मंडी में किसान की पेमेंट बाकी नहीं है, हरगंगा गांव की सारा मिश्रण की पेमेंट आ गई है, पानी बिना क्या हुआ जो कोई बेच गया बिना रुके रहे। अगर मैं आज के हालात पर चर्चा करूंगा तो बहुत लंबो समय लाग जैसे अभी मेरू पहली बात की चर्चा करा कि गंगवा गांव के मां चौटाला साहब बहुत बड़ो सम्मान दियो, बहुत बड़ो गंगवा गांव की इज्जत बढ़ाई, चौटाला साहब तो केवल गंगवा की बात नहीं है, 2000-2005 जब मुख्यमंत्री आ हरियाणा प्रदेश को कोई गांव ईश्वर नहीं है जिसके गांव गमा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके गांव के लोगों ने मूलभूत सुख सुविधा ना प्रदान करे, ये किस्म का हालात मेरा भी वक्त में देख खड़ा है कि सरपंच का नायडो पीछे डेप्स हो जाऊं तो खर्च कौन करी, तो भी पीछे की कोई कमी नहीं, एक कोई गांव में पंचायत नहीं भी है, कोई गांव का 5 आदमी इकट्ठा हो गए, चौटाला साहब ने कह दिया कि हमारे गांव की छोटी मोटी डिमांड बाकी रहेगी तो जिनको पीछे भी गांव के मां सीधो पंचायत का खत्म आ जाओ,
और गंगुए गांव ने तो वो मान सम्मान मिले है जो को कि बिरले गांव ने मिले कि किस्मत आड़ ने मिले। 6443 गांव है, लोकसभा की राज्यसभा की केवल हरियाणा 5 सीट है। 6443 में केवल 5 ईशा गांव हुए जिसका 5 गांव के लोगों ने राज्यसभा की सीट बैठी। राज्यसभा की सीट तो आप मान के चलो लोग 100-100 करोड़ रुपया लेके फिरे, 100-100 करोड़ में भी राज्यसभा की सीट को मिले। रणवीर गंगवा जी तो पता ही कोई सपने में कौन सोचो भी तू कभी राज्यसभा को मेंबर बन सकती, घरे बैठे हम दिल्ली को टेलीफोन करके बुला के क्यों कि चंडीगढ़ जाके फार्म भर दे तन राज्यसभा में जाना है। वो सम्मान कोई गंगुए को नहीं हो, वो सम्मान पे रणवीर सिंह ने नहीं दियोगे सारे गांव को भी नहीं हो, वो तो सारों को सारों कुमार समाज को हो, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कुमार जाति के किसी व्यक्ति ने राज्यसभा में कर भेजो तो आदमी को नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौटाला साहब तो कसर कौन छोड़ी रे, रणवीर भी कसर नहीं छोड़ी, पहली राज्यसभा में विधायक बना दिया। मैं विधानसभा में सारी बात करो कुर्सी से तो सारों ज्यादा तकलीफ है रणवीर का, भाई मन को बैठ जा तू बैठ जा कौन कहो टेलीविजन देखा याद भी कराई मैं बोले तू मेरे लहरे बैठ रहे तो जो सारू ज्यादा रोड़ो बचाऊ तो बोलन को दिया बोलन को दिया अब तू मैंने भी रोकया जल्दी कुर्सी आगे आज जगह हालात है, आज सरकार का जगह फैसला है क्यों आम आदमी परेशान है दुखी है। आज कोई वर्ल्ड इश्यू नहीं है एक प्रदेश के अंदर जिसको सरकार दुखी है, सरकार में बैठे लोग भी सरकार परेशान है लेकिन बाकी मजबूरी है करे के आज तो एक कृषि का जो 3 काला कानून बने आज की तारीख में तो हो सके कि कोई आज समझाने की कोशिश करे भी कानून किसान को कोई फायदा हो जाए उसके कुछ साल 2 साल 4 साल खाने की ज्यादा मिल जाए। लेकिन आगे आने वाले समय में इनको बहुत मिस यूज हो सी, बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो सी, आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मंडी जे खत्म हो जाएगी तो माल कट बेच गया होगा बेचते वक्त ठीक है नहीं बुजुर्ग इच्छा बैठे हो सी जगह की मंडिया देखेड़ी को नहीं एक इशो टाइम भी हो अपने हरियाणा में भी शहरों कोई मंडियों कोई बिलालो कोई बाणियों बिमो मुनीम कालगेर गांव के मत किसान की फसल खरीद दो और फसल खरीद के भी किसान के घरे छोड़ दे दो। अरविनाथ के हम तो भाई जगह दिन माना जरूर तो सी तेरा ठू बखारी ले जावा अगर भी मैं कोई भूल लाग जाऊ तो कोई कीड़ो लाग जाऊ तो किसान के जुम्मे पड़ जाओ भी तय सावर ध्यान को रख ले बिना पीछा काट ले होता और मंडिया बढ़ने के बाद में MSP आने के बाद में किसान निश्चिंत हो गए कि आंगी जी की सोच है जैसे मंडी खत्म करेगा बट MSP खत्म कर देगा। मंडी खत्म होने के बाद में MSP आप ही आप खत्म हो जाएगी फिर तो प्राइवेट आदमी खरीदेगा एक दफा तो अच्छो भाव दे दे हर सारे एग्रीमेंट बनाने खातर थाने बढ़िया भाव देगा थाने बढ़िया राजी करेगा
लेकिन जब आप एग्रीमेंट कर लेंगे आप 15-15 साल वो बंद सा जाए नहीं बात कर मनमर्जी का रेट लगा से मनमर्जी खरीद से मनमर्जी थाने कैसी आप खाद गिरो बीज गिरो थाने कैसी आप दवाई गिरो आज टाटा की कीड़े मार दवाई आ गई कौन आ गई आ रही है ना कल टाटा पर की कंपनी खर सके कोई खेती हुए एग्रीमेंट कर सी तो दवाई दूसरी गिरने देगा के फिर तो मैं कहता भारी दवाई गिरो फिर मैं कहता मार लो बीज गिरो और फिर वह आपकी मर्जी की खाद डलवाओगे साथ में जो काजी कृषि का कानून ने लेके आंदोलन चलने लग रहे हैं जिसका लाखों लोग आज सड़कों पर बैठे हैं जिसका घर बार छोड़ रखे केवल मंगो अकेला नुकसान थोड़ा ही है मैं कोई आपके नुकसान की भरपाई खातर थोड़ा ही बैठा मैं थारी लड़ाई लड़न लग रही मां लोगों ने ये बात की समझ है कि अगर यह कानून रह गया तो आने वाले टाइम में थारी जबकि नई जनरेशन है वह पीढ़ी जबकि अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़े जिथे कृषि का काला कानून बना दिया वैसे महंगाई जिसको कितने बढ़ गया है पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया पेट्रोल और डीजल आओ तो अपने रोज ही खतर खा पड़े कि रोज गाड़ियां में गता होते कोई मोटरसाइकिल में गता है कोई कार में गता है कोई ट्रैक्टर खतर ले गया है इलायदा जबकि महंगाई बढ़ी है आज लो महंगा हो गया आज प्लास्टिक महंगा हो गया आज थारे खेत में होने वाली जबकि दाल है बिना दाम थारू तो कम मिले बाजार में जाने के बाद में बिना दाम बढ़ गया अगर फिर कोई सब्जी लगाओ तो थार दी सब्जी तो बिकेगी 5 रुपया किलो और घंटे बाद रेडी आओ तो बड़ा दाम में ले गया सी भाई 5-15 रुपया बिके कौन बिकेगे 15 रुपया थाने भाव नहीं देगा थाने सस्ती देगा राज्य महंगी देगा आप सारी चीजें को ध्यान में रखो और लड़ाई जो की है आप कोई व्यक्ति विशेष की नहीं हाँ लड़ाई तो किसान की सरकार की है तो पेट को सवाल है हम मान के चलो 2 साल निकल गया कौन निकल गया या 3 भी निकल जाएगा लेकिन चुनाव के टाइम में अपन लोगों ने लोग बिछड़ा लिया चुनाव के टाइम में आगे आप कहते मैं थारे गांव हूँ थारे परिवार हूँ थारे घर को हूँ थारी जात हूँ फिर जाति पाति को रंग चढ़ावा जाति पाति का रंग नहीं आना चाहिए अपने तो पहली आपकी जमात के बारे में सोचना चाहिए जात के बारे में नहीं जमात तो सारंग खेती है को नहीं है तो पहली किसानी खातर सोचो आज तो इसी हालत है जिसका कोई थारू झूठ बोल के वोट ले गया वे किंगा में जा सके के बड़े जी जा बड़े ना बीजेपी वालों जा सके ना जेजेपी वालों जा सके गंगो तो काली सर से जागे आए हो जागे आए हो कौन जागे आए अच्छे मान के चलो गंगो का विरोध नहीं है सरकार के गलत फैसला में विरोध है गंगो जितने अपनी पार्टी में आपने सब जितने कने विरोध करोगे बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी का गलत निर्णय है मांगी वजह हम विरोध होने लगे आज बीजेपी जेजेपी दोनों पार्टियों को कोई भी आदमी ना तो की सामाजिक कार्यक्रम में जा सके ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर सके आज तो अट तक भी दिक्कत आवे कि अगर किंगे दुख हो जाए कोई आगे जान पहचान है तो दुख में भी शामिल नहीं हो सके हम तो बठे भी विरोध होने लग जैसे अंगो विरोध है बठे जेजेपी अंगो आना भी ज्यादा विरोध है मंगो विरोध है तो नहीं है मंगो ही खाते विरोध है कि मां चौधरी देवीलाल के नाम का वोट बन गया
और चौधरी देवीलाल सदा किसान की कमजोर की कमेरे की लड़ाई लड़ी। मैं तो 36 जात के लोगों ने जैसे कोई कमजोर हो बिना राजनीतिक ताकत के तीर भी लड़ाई भी लड़ी। चौधरी देवीलाल की सोच तो आ रही है कि जो गरीब वर्ग है जगह की पहचान नहीं है जगह का वोट लोग ले उतर रहे जगह की संख्या थोड़ी है बन राजनीतिक हिस्सेदारी कुकर मिला है। मां लोगों ने विधानसभा की टिकट दी कटी कश्यप जाति वाले ने दी कटी कंबोज ने दी कटी कुमार ने दी कटी कोई बैरागी ने चुनाव लड़ाए किस्म की जातियां का लोगों ने टिकट दी जगह बाकी जात की पहचान लोकसभा और विधानसभा में पड़ी गई मन राजनीतिक ताकत मिली कि कोई और राजनीतिक दल इशो बता दो जगह कड़ी किस्म कभी कोई चुनाव लड़ाया बीजेपी वाला जेजेपी वाला जगह आप चौधरी देवीलाल के नाम का वोट तो ले दिया झूठ बोले एक कर वोट ले गया लेकिन वोट लेने के बाद जब बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गया जब आपने मंगा गिरवी रख दिया सत्ता में शामिल हो गया तो फिर बीजेपी का गलत निर्णय आज तो हम खामिया जवान ने भी भुगतना पड़ा आज भुगते कौन भुगते हैं बीजेपी जेजेपी तो खत्म है मांगो तो कोई नाम लेने वाले को नहीं मांगे तो नाम नफरत करे लोग कांग्रेस की दाढ़ जूतियां बटे कांग्रेस का कितना ही ग्रुप बन गया आपस में सहजा को न्यारो ग्रुप है हुड्डा को न्यारो ग्रुप है थारे तो कुलदीप भी मारो मोटा हाथ पैर मारे कौन मारे बट भी आपको बना रखे ये कड़ी सुरजाड़े बना रखे ये तो आपस में लड़े जबकि पार्टी आपके जिले को संगठन खड़े नहीं कर सके मैं लोग आप मान के चलो कल ना आपकी राजनीतिक ताकत में बड़ी कर सके अगर संगठन नहीं हो सी तो ताकत भी कोनी हो सी कांग्रेस को तो संगठन ही कोनी अपता थे और कांग्रेस की हालत तो इसी है जब क्या उल्टे चुटाला साहब ने 10 साल की कैद कराई षड्यंत्र के तहत चुटाला साहब तो 10 साल की काटी है और बात तो कोई कि उन्होंने 10 रुपया कौन लिया कि कोई कत्ल कौन कराए इन्हें खातिर कोई बुरो कौन सोचो एक षड्यंत्र के तहत सजा होगी बात उड्डे के तलवार लटके कौन लटके आजकल पिछले दिन की थाने के किस्सों बताऊं मैं चुकाला साहब ने 10 साल की सजा हुई विधानसभा को शेष सुना गया शेष सुनाया तो संभावित हो कांग्रेस वाला आपकी बात करा इंडियन नेशनल वाला आपकी बात करा कांग्रेस ही मारे ऊपर आरोप लगा और मार लपा ने कहा भी षड्यंत्र के तहत मारे नेता की सजा करा दी उड्डो खड़े होके मन करने लगे अबे सिंह जी वाद विवाद में कुछ नहीं रखा अच्छा वकील कर लो मैं बिन क्यों तू क्यों चिंता करे मारी तू तो तेरे कामयाब में मकसद में कामयाब हो गयो तब तो जो षड्यंत्र रचो फिर कामयाब हो गए अब लड़ ले जना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी 4 सीट सीबीआई वाला दाखिल कर दी जबकि दिन सीबीआई 4 सीट दाखिल करी भी दिन कोरोना भी होगी हुड्डा का अगले दिन अखबार में खबर है कि भूपेंद्र हुड्डा के अरबी की धर्म पत्री का दोनों को कोरोना पॉजिटिव आ गया मैं सुबह अखबार पढ़ो अखबार की खबर पढ़ने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टेलीफोन मिला दिया हुडन टेलीफोन मिला के मैं पूछे हुडा जी तबियत कैसी है बोला कोरोना पॉजिटिव हो गया मैं कहा हूँ कौन से अस्पताल में बोले मदानता में हूँ मैं बोला परमात्मा आपको जल्दी स्वस्थ करे डॉक्टर आपका अच्छे से इलाज करे आप ठीक हो जाओ मैं बोले इस कोरोना से ये बचा लेंगे जो 4 सीट दाखिल हुई है उससे कैसे बचाएगा तू बोले हम तो ओखी सोखी काट लेंगे भाई लेकिन तू कोई अच्छा वकील कर ले नहीं तेरे खातर बहुत मुश्किल हो जाएगी
मान के चलो उठो तो जेल जाओ को जाओ को पुल जाओ को उठो जेल जाओ जब फिर कांग्रेस को के बटेगो ऐसे का मारली पार्टी ने खत्म करनी चाहो पांगो आपको सुपरो साफ होना हो है। मैं खास करके सुभाष जी को राजू जी को आभारी हूं कि आज बने मैं दोनों आज बने सारे रूप लोन को मौत को दियो मिलन को मौत को दियो सतपाल और आज तो थारी हाजरी लगाना आए हूं दोबारा फिर खुलो समय निकाल के थारो आगे मिल के जाऊंगा थारो उम्मीद करूंगा कि फिर दोबारा नया शेरू फिर पार्टी मजबूत करूंगा।